हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारे पास है बोट बे प्ले स्मार्ट वॉच। तो आज मैं इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम वॉच के सेटिंग ऑप्शन में जाकर डाउनलोड ऐप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम अपने मोबाइल में QR कोड स्कैनर को ओपन करते हैं। उसके बाद स्मार्ट वॉच के QR कोड को इस प्रकार स्कैन करें। तो गाइस, मैं पहले से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुका हूं। तो आप इस प्रकार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वह OTP एप्लीकेशन में डालकर वेरीफाई कर लें। तो आप देख सकते हैं यह वेरीफाई हो चुका है। अब हम सबसे पहले हमारी वॉच वेब सीरीज की है तो हम वेब ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी स्मार्ट वॉच का मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी वॉच बोट वेब प्ले है तो हम बोट वेब प्ले मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहां आपको एक मैसेज शो होगा, प्लीज टर्न ऑन योर फोन्स ब्लूटूथ। तो यहां आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। आप जैसे ही फोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो यहां आपको आपका स्मार्ट वॉच शो होने लगेगा। अब आपको पेयर दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही पेयर दिस डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्ट वॉच फोन से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन अपडेट के लिए मैसेज आ रहा है तो हम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट होने में 1 से 2 मिनट लग सकता है, तो आप तब तक इंतजार करें। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा यह एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो अब आप एप्लीकेशन की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग ऑन कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन एवं अदर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। और आप देख सकते हैं हमारा स्मार्ट वॉच मोबाइल से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।